परभनी में मृत्यु हुए डॉक्टर के नाम पर चला रहा है दवाखाना। मुन्ना भाई MBBS का मामला। परभनी शहर स्थित स्टेशन रोड पर मृत्यु पाए हुए डॉक्टर का नाम बोर्ड पर लिखकर मरीजों को रिझाया जा रहा है और छोटे शिशुओं के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन शिशु को सुजान पिता और परिजनों ने इस मामले का भंडाफोड़ किया है। इस मामले के साथ शहर के एवं जिले के जितने मुन्ना भाई MBBS यानी कि बोगस डॉक्टर है, इसकी जांच कर बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई कर बोगस दवाखाने बंद करने की मांग की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि परभनी एवं जिले में बच्चों के मशहूर डॉक्टर सुनील गर्डेकर ये थे, उनका देहांत होकर लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं। उन्हीं के अस्पताल में अब गर्डेकर हॉस्पिटल के साथ विश्व प्रयाग हॉस्पिटल ऐसा उच्च दर्जे के नवजात शिशु केंद्र के नाम पर अस्पताल चलाया जा रहा है। इस अस्पताल के बोर्ड पर डॉक्टर सुनील कर्डेकर, डॉक्टर रविशंकर नवाट, उसी के साथ डॉक्टर रुक्मिकांत वड़चकर, डॉक्टर संजीवनी मगर, डॉक्टर लवकुश सामाले, ऐसे विशेष शिशु तज्ञ डॉक्टर यहां पर इलाज करते हैं ऐसा बताया जा रहा है। और छोटे बच्चों के बीमारी के सहारे यहां धांधलियां मचाई जा रही है। तारीख 23 मई 2021 रविवार के रात को इस अस्पताल का एक मामला सामने खुलकर आया है। डॉक्टर किस तरह शिशुओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, डॉक्टर 22 तारीख के रिपोर्ट में ही अलग बात बताते हुए बिना टेस्ट रिपोर्ट के ही तारीख 23 मई की रिपोर्ट कहकर अपने मनमानी से दवाइयां शिशुओं के परिजनों के से मंगवा कर शिशुओं के जीवन से खेल रहे हैं। अपने को लेकर न्यूज परभनी महानगर की टीम जब वहां पहुंची तो हमने देखा कि डॉक्टर और मरीज शिशु के पिता के संभाषण और उनका कहना, इस बात को हमारे कैमरे में कैद किया हमारे कार्यकारी संपादक शेख इन्होंने। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आदाब नमस्कार, परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। यहाँ के हम कर्डेकर हॉस्पिटल एंड विश्व प्रयाग हॉस्पिटल, उचित बच्चों के लिए, शिशु बच्चों के लिए जो यहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया है, इसमें पूरी तरीके से धांधलियाँ मची हुई है। धांधलियाँ किस तरह से मची हुई है, हम एक पिता से मिलने को आए हुए कि उसके बच्चे के साथ किस तरह यहाँ पर 5 दिन से ट्रीटमेंट हो रहा है और किस तरह उसे लूटा जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताएंगे सविस्तर। आप अपना नाम बता के बोलिए। मेरा नाम शेख आजम है और मेरे बच्चे का नाम जो है मोहम्मद उमर है और मेरे वाइफ का नाम जो है जो फाइल पर रजिस्टर्ड है वो नूर सहर बोलकर है। 5 दिन से जो है बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ लाकर बताए थे, फैक्यूजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हर दिन जो है मेडिकल जो है 3-4 हज़ार रुपये का दिया जा रहा है और डॉक्टर का जो बिल है उन्होंने 4 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। और बिना जो है आज इसलिए हंगामा हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे को जो है हायर एंटीबायोटिक दिया गया है और मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और 9 साल से ये फील्ड में सेवा दे रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने डॉक्टर को पूछा हूँ कि ये हायर एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई ब्लड रिपोर्ट हमने करा है, तो मैंने बोला कि भाई ब्लड रिपोर्ट करा है तो ब्लड रिपोर्ट मुझे बताओ किस बेसिक पे आप हायर एंटीबायोटिक दे रहे, तो उन्होंने मुझे बोले कि आज का रिपोर्ट करा है, तो मैंने देखा फाइल जाकर तो वो कल का रिपोर्ट था और आज हमने उनको पूछे तो उन्होंने बोले कि नहीं मेरे को गलती हो गई और यह हायर एंटीबायोटिक है जिससे देने को जो है बच्चे को खतरा हो सकता है। अब इन्होंने थोड़ा वायरल इन्फेक्शन रहने की वजह से बता रहे हैं कि मशीन जो है ऑक्सीमीटर जो बता रहा है उसका बच्चे का पल्स जो है कि 95 है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नॉर्मल रहने के बावजूद भी ये हायर एंटीबायोटिक देकर यहाँ से जो है 1250 रुपये का ये हायर एंटीबायोटिक है, ऐसे हर पेशेंट को इन्होंने दे रहे हैं और इसका डोज लेने का जो तरीका है कम से कम 5 दिन है, लेकिन यहाँ ये खाली 1-2 दिन देकर पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। अब आपकी शिकायत क्या है? यही है कि यहाँ पे जो है बच्चों को जान से खतरा है क्योंकि हायर अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं इसका अगर पावर देखा जाएगा तो 10,000 पावर है और ये बहुत होता है बच्चे के अगर हिसाब से देखा जाएंगे हेल्थ के हिसाब से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्टर को समझना चाहिए कि हर इंसान जो है डॉक्टर पे काफ़ी भरोसा कर जो है अपने बाल बच्चों को लाता है और पैसे खर्चा करता है। ये थे शेख आजम शेख अमीर, जिन्होंने ये बात बताई। हमारे जिलाधिकारी साहब से दीपक मंगलीकर से हमारी ये अपील है कि वो कोरोना महामारी को जिस तरह से सीरियस ले रहे हैं उस तरह इस हॉस्पिटल जो बन रहे हैं इनमें जो जल रही है धांधलियाँ उसको भी इस तरह ध्यान दे और ऐसे अस्पताल को तुरंत लॉक लगाए जहां पर धांधलियाँ मच रही हैं, जहां बोगस डॉक्टर है जो अपना अवधान जो घुमाकर पेशेंट को लूट रहे हैं, ऐसे पर जो तो अपना चिकन चाका से ऐसी अपील की जाए। पोजिशन राइट आहे, मग हे जे तुम्ही आता लिहून दिलं आहे स्वतः व्यक्ती हा स्वतःच फार्मासिस्ट आहे,
तुमने अभी क्या बात बोली है कि कल आज की रिपोर्ट देख के मेरे बोले ना, आपने क्या बोले मुझे ये बोलो, झूठ मत बोलो सर, आप मेरे को जूते निकाल के मारो, आप तजुर्बे कर रहे हो, और आपने क्या बोला आज की रिपोर्ट देख के आप जरा बात करता हूँ, इतने जने सुनने वाले है, रिपोर्ट में 24
इलेक्ट्रॉनिक चीज के कोई बेसिकली तुम डिसीजन दे सकते मशीन है, मशीन है, कोई इंसान नहीं है, कोई देवता नहीं, ग्राफिक्स के बाद हमारे नंबर है तो मशीन है। छोड़ दिया सर, मैं बात करूँ क्या कल चार दिन से आ रहा हूँ मैं मुंबई भैया कोंते मैडम नहीं है इनके आदेश में देशमुख सर क्या बोल रहे कहीं के नाम आने कौन आदमी आ रहा है इनको बताओ सीसीटीवी कैमरे में बताओ मगर मैडम तुम बोल रहे नाम दे रहे मगर मैडम अरे आप सुनेंगे तो अरे सुन रहा ना मेरे को मेरे सवाल में जवाब दो जैसा मैंने आपके पास उस कंडीशन में से जा रहे सर पर हमारे जैसे अड़चन बताई है इसका आपने जो आज जो भी कोई एंके बटन इशू दे बच्चे को जरूरत ठीक है उसकी बच्चा आप खुद बोल रहे स्टेबल है रिपोर्ट गया बेबी पंचानवे तक खरीदा जाता है ये सर कम से कम पाँच दिन देना पड़ता है आपको पेशेंट बताता सुनो ना आपके हॉस्पिटल का बताता जिसको खाली एक टाइम में आपने इंजेक्शन दिए बाद में बंद कर दिए ये एंटीबायोटिक डोज जब चालू करे ना आपने पढ़े हुआ मैं भी पढ़ा हूँ इसको पांच से सात दिन देना पड़ता तुमने दिए क्या तुम दूसरे बच्चों को दे रहे एक दिन दो दिन क्यों तुम खिलवाड़ करेगा फिर तुम ट्रीटमेंट नहीं करे ना साहब मेरा बता दू तुम्हारे तुम्हारे हॉस्पिटल में बताता ना दूसरे भाई का तुम्हारे घर में जो अभी तुमने खेले हुआ है बताता सर एक नहीं चलो ठीक है एंटीबायोटिक की जरूरत है अब बच्चे को थोड़ा कोल है तो थोड़ा नॉर्मल होता बाप पैदा होते बरोबर हर किसी का कम ज्यादा होता ये जानते हुए पहले साल होते हैं सर ये नई बात नहीं है लेकिन एंटीबायोटिक जब दे रहे तो तुमने प्रॉपरली पांच दिन सात दिन दो ना फिर तुम इसको वन टाइम दे दे बात बंद कर दे तो क्या है इसका मतलब क्या ही बताऊ रिपोर्ट कॉम्प्लीट नहीं दे रिपोर्ट तो कालची है आज तो 24 एवढ्या मध्ये रिपोर्ट नाही
इतना रिपोर्ट नहीं कुछ नहीं इतना हाई एंटीबायोटिक का रिस्क किस किस बेस पे ले गए मशीन में नहीं करते मशीन घरचे लोक आल्यावर तो तुमचा कोणता ते कंपाऊंडर आहे त्याच्या अंगावर मारले यायला म्हणे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.